सभी को ज्ञान का प्रणाम। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतुआ ये फल होए। समय लगता है सफलता प्राप्त करने में। अगर कोई माली किसी एक पौधे को सौ घड़ा भी पानी डाल दे तो क्या एक दिन में फल पा पाएगा? समय लगता है। बड़ी सफलता समय लेती है। और अगर आप धारा के विपरीत चल रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, नए रास्तों का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें समय लगेगा। एडिसन को बिजली का आविष्कार करना था, हजारों बार असफल हुआ। लोग कहते हैं कि 9999 बार असफल हुआ। तो उनको नई दिशा में चलना था, उस दिशा में लोग नहीं चले थे। बड़े जो नए रास्ते हैं उनमें समय लगता है, बार बार व्यक्ति असफल होता है, लेकिन उनकी बदौलत पूरी दुनिया में प्रकाश है। बड़ी सफलता वक्त लेती है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, इंतजार कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल मिल जाएगी। सतत लगे रहिए, सतत सुधार करते रहिए। बिना सुधार के इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। और कहते थे अब्राहम लिंकन साहब कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। बिना कुछ किए इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। प्रयास लगातार करते रहिए, फिर आप सफल हो जाएंगे। समय लगेगा लेकिन होंगे सफल। बड़ी सफलता बड़ा वक्त लेती है। चाइनीज बांस से सीखते हैं धैर्य का पाठ। चाइनीज बांस के बीज को जब जमीन में लगाया जाता है तो 4 दिन बाद उसमें अंकुरण नहीं फूटता, 40 दिन बाद भी अंकुरण नहीं फूटता, 2 महीने बाद भी अंकुरण नहीं निकलता, 4 महीने बाद भी नहीं निकलता, 1 साल बाद भी नहीं निकलता, 2 साल बाद भी लोग जाते हैं नहीं निकलता, 3 साल बाद भी नहीं, 4 साल बाद भी नहीं, 5वें साल के दौरान भी लोग जाते हैं नहीं निकलता। लेकिन एक दिन सुखद समय आता है जब 5 साल के बाद उसमें अंकुरण निकलता है। मन खुशी से भर जाता है, बड़ा आनंद आता है। जो चाइनीज बांस का पौधा, जो बीज के अंकुरण निकलने में 5 साल का समय लग गया, वह केवल 6 हफ्तों में 80 से 90 फीट तक ऊंचा चला जाता है, इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा बनना है, नया निर्माण करना है, तो समय लगेगा। लोगों को लगता है कई कि वो 6 हफ्तों में ही जो अंकुरण के बाद देखेंगे उनको लगेगा कि चाइनीज बांस का पौधा केवल 6 हफ्तों में ही 80 से 90 फीट तक लंबा हो गया। ऐसा नहीं है। बड़ी सफलता वक्त लेती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कामयाब होने में 12 साल लग गए। नेल्सन मंडेला को रंग भेद समाप्त करने में, कम करने में 20 साल से अधिक का समय लग गया। 20 साल से ज़्यादा समय तक वो जेल में रहे। समय लगता है। बड़ी सफलता इंतजार करवाती है। नित्य निरंतर अपना सुधार करते रहिए। जब नींव मजबूत बन जाएगी तो आप 6 हफ्तों में ही, यह संभव है कि 80 से 90 फीट तक ऊंचे बढ़ जाएं, मतलब अपना जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। IIT IIM की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स बंद कमरों में लंबे समय तक तैयारी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तब कुछ बन पाते हैं। किसी भी फील्ड में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, चाहे कोई नया अपना बिजनेस कर रहा है, एक दिन में सफल नहीं होते, कामयाबी इंतजार करवाती है, उसके लिए जल्दी मत मचाइए। ताजमहल कितना सुंदर लगता है, लेकिन उसको बनाने में 20,000 मजदूरों को 22 साल लग गए तब वह बना। दशरथ मांझी को
पहाड़ तोड़ने में कितना लंबा वक्त लग गया, लेकिन आपको अपने काम से प्रेम रहेगा तभी इतना लंबा इंतजार कर पाएंगे, नहीं तो चाइनीज बांस के बीज को बार बार जमीन से निकाल कर देखेंगे अभी तक क्यों नहीं सफल हुआ। आम आदमी की यही समस्या है, एक साल इस दिशा में जाता है, दो साल बाद इधर चला जाता है, तीन साल बाद किसी और दिशा में चला जाता है, वो टिकता नहीं है, इंतजार करना नहीं चाहता। आपको अपने आप पे, अपने सपनों पे विश्वास करना पड़ेगा, समय लगेगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। अगर किसी को चाइनीज बांस के बीज पर विश्वास ही नहीं होगा तो वह क्या करेगा। उसी तरह जैसे कोई कुछ समय पूरब चलता है, कभी कोई पश्चिम, कभी कोई उत्तर, कभी कोई दक्षिण, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। देखिए, बेवस्टर को अपनी डिक्शनरी पूरी करने में 36 साल लग गए, सोचिए 36 साल कितना बड़ा पीरियड है, और स्टीफेंस को अपना लोकोमोटिव बनाने में 15 साल लग गए, कितना लंबा वक्त है। महान घेराडिनी से जब पूछा गया कि आप इतना अच्छा वायलिन बजा लेते हैं, इतनी कुशलता प्राप्त करने में आपको कितना समय लग गया, वह बोले कि 20 साल लग गए और मैं 12 घंटे लगातार 12 घंटे प्रतिदिन रियाज करता था, तब मैं इतना बेहतर बजा पाता हूँ। जो भी ओलंपिक खिलाड़ी हैं, जो भी दुनिया में, अब देखिए रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, लेकिन धीरू भाई अंबानी जानते हैं कि उन्होंने कितना समय, वो आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो बना के गए, उन्होंने तो एक एक ईंट लगाई है। आज भड़े उनके बच्चे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के निर्माण में कितना वक्त लगा। धीरू भाई अंबानी सतत लगे रहे, निरंतर करते रहे और शुरुआत से इतनी बड़ी कंपनी का को निर्माण किए, इतनी कंपनी को बनाए। तो समय लगेगा, धीरज मत खोइए। और अंत में एक शायरी से इस वीडियो का समापन करते हैं कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। धीरज रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद।